الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم آداب کے عنوان سے چند ہفتوں سے بات چل رہی ہے. آج کی اس مجلس میں مختصراً والدین کے آداب کے سلسلے میں دو چار باتیں عرض کرنی ہیں. والدین کے انسان پر بہت زیادہ احسانات ہیں. والدین ہی کی وجہ سے آج ہمارا تعلق کسی خاندان سے ہوتا ہے. رشتے ناطے جتنے بھی ہیں ہمارے، چاہے وہ چچا زاد ہے، چاہے ہمارا کوئی خالہ زاد ہے، پھوپی زاد ہے، بھانجا ہے کوئی یا بھتیجا ہے، جتنے بھی رشتے ہیں، یا تو باپ کی نسبت سے ہوتے ہیں یا ماں کی نسبت سے ہوتے ہیں. والدین کے بغیر یہ رشتے قائم نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ اور جو تعلق بنتا ہے وہ باپ کی نسبت سے ہی بنتا ہے یا ماں کی نسبت سے بنتا ہے. ہمارے ہاں ایک بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ماں کا ذکر ملے گا، باپ کا بہت کم. چاہے آپ دکانوں پہ لکھا ہوا دیکھیں، چاہے آپ روڈ پر گزرنے والی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا تحریر کی صورت میں دیکھیں، ماں کی دعا کا جملہ تو آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا. تو کیا باپ نے کبھی دعا نہیں دی تھی؟ یہاں پر ہم حق تلفی کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. احسانات دونوں کے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ماں کا درجہ بڑھ کر ہے. ماں کی خدمت اول ہے، باپ دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے اس کا اظہار بھی کرتی ہے، الفاظ کے ذریعے سے، پیار کے بول بول کر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے کہ اسے اپنے بچے سے یا بچی سے محبت ہے. اور باپ اپنی اولاد سے محبت ماں کی نسبت کم نہیں رکھتا، لیکن وہ اظہار نہیں کرتا، وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے. ورنہ انسان اگر دیکھ لے کہ ماں نے اگر رات کو بچے کے ساتھ جاگ کر کاٹی ہے اپنی رات، تو باپ نے بھی تو جون جولائی کی گرمیوں میں دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے بچے کے لیے کچھ کمایا ہے. اگر ماں نے گھر میں رہ کر اپنی اولاد کی خدمت کی ہے، تو باپ نے بھی تو روڈوں پہ چکر لگا لگا کر اپنی اولاد کے لیے محنت بھی کی ہے، مشقت بھی کی ہے، اپنے آپ کو مٹایا بھی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، ان کے تعلیم کے اخراجات ہوں،
उनके खाने पीने की चीज़ें हों या उनके लिए अच्छी रिहाइश का इंतज़ाम हो। और आजकल के इस दौर में तालीम की फीसें हों, ये सारे कौन अदा करता है? बाप ही तो अदा करता है, और ये कोई नहीं जानता कि बाप किस तरीके से देता है, किस अंदाज से देता है। बाज़ औक़ात तो उसे खामोशी से कर्ज लेकर भी अदा करनी पड़ती हैं फीसें। बाज़ औक़ात वो अपने आप पर कंट्रोल करते हुए, अपने पास जेब खाली होने के बावजूद, जिस तरीके से भी होता है, वो अपनी औलाद पर महसूस नहीं होने देता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। इसलिए तो हदीस शरीफ में फरमाया गया, इसमें कोई शक नहीं, वालिदैन दोनों के हकूक़ हैं। मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, ये ना समझें कि एक बाप होने की हैसियत से मैं अपने हकूक़ की बता रहा हूँ। वालिदैन के हकूक़ दोनों के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में अपने हकूक़ के बाद जो मखलूक के हकूक़ हैं, हकूकुल इबाद जिनको कहा जाता है, उनमें से सबसे पहले हक वालिदैन का बताया है। अपनी तौहीद के बाद वालिदैन के साथ एहसान का तज़किरा फरमाया, हुस्न सलूक का तज़किरा फरमाया। तो जहाँ हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, अब ये रिवायत तो सबने सुनी हुई है, और शायद इसलिए भी कि माएँ बच्चों को यही सुनाती रहती हैं बचपन से ही कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसमें कोई शक नहीं, हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और आपका कौल मुबारक सच है, बरहक है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भूल जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन जन्नत में दाखिल होने के लिए तो दरवाज़ा है, और फरमाया कि जन्नत का दरवाज़ा बाप है। जन्नत का दरवाज़ा बाप को करार दिया है। दरवाज़ा खुलेगा तो जन्नत में दाखिला मिलेगा, जब दरवाज़ा ही बंद होगा तो जन्नत में दाखिला कहाँ से मिलेगा? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है, और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। बाप राज़ी है तो रब भी राज़ी है। अब और रब, अब बाप को कहते हैं, अब राज़ी तो रब भी राज़ी, अब नाराज़ है तो रब भी नाराज़ है। तो हुकूक दोनों के हैं, आदाब का ख्याल दोनों का ही रखना चाहिए। ये जुमला जो अक्सर लिखा होता है ना, माँ की दुआ, वहाँ पर वालिदैन की दुआ लिखा करें। हाँ, बस इतना फ़र्क ज़रूर है कि माँ मुसल्ले पर बैठकर औलाद के सामने दुआ मांग रही है, बाप मस्जिद के कोने में बैठकर आंसू बहा रहा होता है, बस फ़र्क ये है, उसके आंसू नज़र नहीं आते, उसके आंसू नज़र आ रहे होते हैं। वरना औलाद के हक में जिस तरह वालिद, जिस तरह वालिदा अपने आप को मिटा देती है, वालिद भी अपने आप को मिटा देता है। हाँ, बहुत कम ऐसे होते हैं जो खुद पेट के शौकीन होती हैं, खाने पीने की शौकीन होती हैं, होटलों पे बैठ कर खा लिया, औलाद की परवाह नहीं होती, बहुत कम ऐसे होते हैं। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, बाज़ार में जो भी चीज़ अच्छी लगी वो लेकर घर ले आते हैं ताकि बच्चों के साथ बैठकर ही मैंने खानी है, जो भी चीज़ मिलती है। बल्कि अब तो खैर ज़माना एडवांस हो गया काफ़ी, वरना पहले तो ये होता था कि किसी वलीमे में जाते या किसी प्रोग्राम में दावत में शरीक होते तो जो खुद खाते थे थोड़ा सा छुपा कर बच्चों के लिए साथ ले आते थे, ताकि मेरे बच्चे भी महरूम न रहें, मुझे तो दावत है यहाँ पर, वो तो नहीं आ सके, लिहाजा उनके लिए हिस्सा साथ ले जाना है, उनके लिए भी साथ लाया करते थे। फिर वो ये भूल जाते थे कि गुनाह होगा या सवाब होगा, वो अलग बात है, लेकिन औलाद को नहीं भूलते थे, औलाद को याद रखते थे। तो इसलिए आदाब में वालिदैन के आदाब का बहुत ख्याल रखा जाए। और अदब के अंदर क्या कुछ मिलता है, अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर तहरीर फरमाया है, 6 जिल्दों में किताब लिखी है जिसका नाम है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले 6 जिल्दें थी, आजकल मेरे ख्याल में 2-2 जिल्दें इकट्ठी कर दी हैं, 3 जिल्दें बना दी हैं। तो अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा एक अजीब वाक्य लिखा है,
مختصر سا چند جملے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر تشریف لائے. حضرت یوسف بیٹے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہیں. تو بیٹے کے گھر تشریف لائے, حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کسی کام میں مشغول ہوں گے, اپنے والد کو آتا تو دیکھ لیا لیکن ادب اور احترام کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکے, کھڑے نہیں ہوئے, بیٹھے رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام آئے, سلام کر کے بیٹھ گئے. بس جو ہی یعقوب علیہ السلام بیٹھے, جبریل امین آ گئے یوسف کے پاس, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی لے کر آ گئے کہ اے میرے پیغمبر, اے یوسف, آج تم نے اپنے باپ کا ادب نہیں کیا, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تیری نسل میں آئندہ کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا. اور اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا. پھر حالانکہ پہلے نبوت چلی آ رہی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی. لیکن اس جملے پر جب ادب میں تھوڑی سی کمی آئی, آگے سلسلہ رک گیا. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ادب مطلوب ہے, کہ کتنا ادب ہونا چاہیے. آج تو بھول جاتے ہیں والدین, بھولتے نہیں ہیں, کبھی نہیں بھولتے. پنجاب کے علماء میں سے ایک بڑی شخصیت ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے پنجاب کا ہی. وہ فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, بس وہ ایک ہی اولاد تھی ان کی, ایک ہی بیٹا. جوان ہوا, تعلیم دلوائی اسے, انجینئر بن گیا. والدین کہیں رشتہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی اپنی پسند تھی کہ میں رشتہ کروں گا تو وہیں پہ کروں گا. والدین نہیں مان رہے تھے, والدین کی اپنی سوچ ہوتی ہے, ان کی بھی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں, ان کی بھی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں, کچھ آرزوئیں دلوں کے اندر پال رکھی ہوتی ہیں جوانی سے اولاد کے لیے. تو وہ نوجوان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. آخر کار اس نوجوان نے اپنی پسند کی شادی کی اور کوئی ذریعہ ایسا بنایا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر سعودیہ چلا گیا, وہاں جا کر مقیم ہو گیا, بیوی کو بھی ساتھ لے گیا, بچے پیدا ہوئے وہاں پر. وہاں پہ سال پہ سال گزرتے رہے, نہ والدین کی خبر نہیں اور نہ والدین کو پتا تھا کہ بیٹا ہمارا کہاں ہے, نہ ان کو بتایا. اس حال میں سال دو کی بات نہیں, 25 سال گزر گئے, 25 سال تک کوئی خبر نہیں. 25واں سال تھا, طواف کر رہا تھا وہ, جب بھی طواف کرنے کے لیے آتا, کئی حج کیے اس نے, کئی عمرے کیے, رہتا جو وہاں تھا تو طواف کر رہا تھا, اور اکثر طواف کے دوران وہ ادھر ادھر دیکھا کرتا تھا, کوئی اللہ کا بندہ ملے جس کے چہرے سے پتہ چلے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے تو میں اس سے ایک راز کی بات پوچھوں. پریشان رہتا تھا جب بھی طواف کے لیے آتا, اور وہ بات کیا تھی کہ وہ جب بھی طواف کرتا تھا اور جو ہی حجر اسود کے سامنے آتا اور استلام کرتا, اسے ایسے لگتا جیسے کان میں کسی نے کہا ہے, ایسے چکر کاٹ رہے ہو, قبول نہیں ہے تمہارا طواف اللہ کے ہاں, مقبول نہیں ہے تمہاری حاضری, قبول نہیں ہے. پریشان ہو جاتا تھا, گھبرا جاتا تھا, کیا ہو رہا ہے. 25 سال اس حال میں گزرے. ایک دن طواف کر رہا تھا کہ ایک شخصیت پہ نظر پڑی, جو صاحب علم بھی نظر آ رہے تھے, صاحب تقویٰ بھی تھے, ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. چنانچہ طواف مکمل کر کے ان کو اپنی نظروں میں رکھا کہ گم نہ ہو جائیں کہیں. انہوں نے بھی طواف مکمل کیا, اس نے بھی طواف مکمل کیا. وہ دوگانہ پڑھنے کے لیے گئے تو یہ بھی ساتھ چلا آیا, ان کے ساتھ ٹھہر کر 2 رکعت پڑھی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد ان سے عرض کرنے لگا کہ حضرت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ذرا پریشانی ہے.
अगर आप मेरा मसला हल कर दें, मेरी परेशानी को दूर फरमा दें। उन्होंने कहा जी बताएं यहाँ पर कौन सी परेशानी हो सकती है अल्लाह के घर में। तो उसने बताया कि मैं 25 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं जब भी तवाफ़ करता हूँ और इस्तेलाम करने हजरे अस्वद के सामने आता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मेरे कान में कोई कहता है कि तेरी हाज़िरी कबूल नहीं है, तेरा तवाफ़ करना मकबूल नहीं हो सकता। हज़रत बहुत परेशान, रोने लगा ज़ारो कतार, बताएं हज़रत मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, ये क्या मामला है मेरे साथ। अब यहाँ पर जो अहले इल्म होते हैं ना, ये फिर सोचते हैं, पीछे कड़ियाँ मिलाते हैं, जो बात सुन ली है ना, ये ख्वाबों की ताबीर भी ऐसी होती है। ये सुनने वाले जब कुछ देर खामोश हो जाते हैं ना तो फिर पीछे सोचते हैं, कहीं पर कड़ी मिल जाती है तो फिर जवाब दिया जाता है, ऐसे नहीं होता कि जो मुंह में आया कह दिया। तो हज़रत ने सर झुका लिया कि क्या जवाब दूँ। उनको याद आ गई एक रिवायत, हदीस याद आ गई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे और बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद खड़े हुए और बैतुल्लाह की तरफ़ देखकर बैतुल्लाह को मुखातिब करके फरमाया था कि ऐ बैतुल्लाह तू अल्लाह का घर है, बड़ी बरकत वाला है, बड़ी हुर्मत वाला है, लेकिन ऐ बैतुल्लाह एक मुसलमान की हुर्मत व इज़्ज़त तुझसे भी ज़्यादा है। तो वह हदीस उसको याद आई तो फौरन वो कहने लगा, बेटा कहाँ से ताल्लुक़ है, किस मुल्क से आए हो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहाँ से आए हो। उसने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। फरमाया कि जो कैफियत आप बता रहे हैं इससे तो ये मालूम होता है कि तू पाकिस्तान से किसी का दिल तोड़ के आया है। नौजवान का सर झुक गया कि दिल किसी और का तो नहीं तोड़ा, माँ बाप का तोड़ के आया हूँ। बात दिल पे लगी, फौरन कागजात तैयार कराए, टिकट बुकिंग कराई, पाकिस्तान पहुंचा। जिस इलाके का रहने वाला था, किसी चक में रहता था, जिस तरह पंजाब में होती हैं, अपने उस देहात में पहुंचा। 25 साल गुजर गए, गलियां सड़कें बदली हुई हैं, सारे नक्शे बदले हुए हैं, जहां पहले खेत हुआ करते थे वहां कॉलोनियां बनी हुई हैं, जहाँ पर पहले कच्ची पगडंडी सी हुआ करती थी वहाँ पर रोड और दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, बाज़ार बन गए हैं। ये अपने ख्यालों में जा रहा है, ना मालूम मेरे वालिदैन किस हाल में होंगे, पता नहीं ज़िंदा भी हैं कि नहीं, मुझे पहचानते भी हैं कि नहीं, मुझे करीब आने भी देते हैं कि नहीं, दरवाज़ा मेरे लिए खुलता भी है कि नहीं। इसी परेशानी में जा रहा है, जब बस्ती के करीब पहुँचा तो एक नौजवान मिला, तो उससे पूछ लिया कि नक्शा बदला है, शायद मैं अपने घर को न पहचान सकूं। तो नौजवान को रोक लिया और उसने कहा भाईजान यहाँ पर फलां नाम का एक शख्स रहता था, उसकी एक बीवी भी थी और उनका एक जवान बेटा भी हुआ करता था फलां नाम का, अपने बारे में नहीं बता रहा, एक जवान बेटा भी हुआ करता था जो कई साल पहले उनको छोड़ कर चला गया था, उन्हें जानते हो। वो नौजवान जानता था। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, वो बदबख्त बेटा था उनका जो छोड़कर चला गया था और फिर उसने मुड़कर नहीं देखा, अब ये दिल ही दिल में कहता है बदबख्त मैं ही हूँ। उसने कहा मुझे बताओ क्या बना उनका। उसने कहा बस उस बदबख्त ने तो मुड़कर देखा नहीं अपने बाप की तरफ ना माँ की तरफ, वो दोनों बेचारे रोते रहे, रोते रोते चंद दिन पहले बाप का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गया और आखिर वक्त तक वो इंतज़ार करता रहा और वालदा भी चारपाई पे पड़ी है, बीमार है, मेरा घर करीब ही है, पड़ोस वाले आ जाते हैं, कभी किसी को याद आ जाए तो उसका मुंह धुलवा के चले जाते हैं और कुछ चमचों के साथ गिज़ा देकर चले जाते हैं, मुझे भी अपनी वालदा भेजती है। वो नौजवान बस्ती का, उसकी आंखों में आंसू थे, वो कह रहा था कि मुझे भी माँ भेजती है कभी कभी कि जाओ बूढ़ी माई को कुछ खिला के आओ, तो मैं जब भी खिलाने के लिए जाता हूँ तो उसके होंठ हिल रहे होती हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता कहती है और जब मैं गौर करता हूँ तो अपने बेटे का नाम ले रही होती है, भूली नहीं अभी तक, उस बेवफा को अभी तक नहीं भूली, वो याद कर रही होती है उसको इस हाल में भी। उसने कहा मुझे दिखाओ घर, मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा तुम्हारा क्या रिश्ता है। उसने कहा मैं ही वो बदबख्त हूँ जो छोड़कर चला गया था। उसे घर दिखाया गया,
جب دروازے پہ آیا تو پھر سوچنے لگا اگر اس حال میں میری والدہ ہے تو پتہ نہیں پہچان پائے گی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ میرے سلام کا جواب بھی دے گی کہ نہیں، مجھے قبول بھی کرے گی کہ نہیں۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یہ تو وہ ہے جو پہلے تمہیں کھلاتی تھی پھر خود کھاتی تھی، پہلے تمہیں پلایا کرتی تھی پھر خود پیا کرتی تھی، پہلے تمہیں رات کو سلاتی بعد میں سویا کرتی تھی، وہ تمہیں کہاں بھول سکتی ہے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر گیا، دیکھا وہ لیٹی ہوئی ہے، بستر پہ ہے، اٹھنے سے قاصر تھی۔ وہ فرمانے لگے کہ پنجاب کا سچا واقعہ ہے، وہ اللہ والے بتا رہے تھے، اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ اندر گیا اور قریب جا کر اس نے سلام کیا کہ ماں جی تیرا بیٹا میں حاضر ہوں، آ گیا ہوں۔ فرمانے لگے کہ جو کئی دنوں سے بستر سے سر اونچا نہیں کر سکی تھی، اٹھنے کی طاقت نہ تھی، جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے بیٹے کا سر پکڑا، پیشانی کو بوسا دیا اور کہنے لگی بیٹا تیری جدائی میں رو رو کر بینائی تو چلی گئی، آواز تو سن لی ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتی، اب میں تمہاری صورت دیکھ نہیں سکتی، بہت اچھا کیا کہ آ گئے ہو، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ بس یہ جملے کہے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ تو والدین محبت کتنی کرتی ہیں اولاد سے، اس حد تک، اور کبھی بھولتے نہیں ہیں، اولاد بھول جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ ان کے حقوق کو پہچانو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر باپ کسی سے راضی ہے تو اس سے رب بھی راضی ہے، باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ باپ دروازہ ہے جنت کا، فرمایا کہ اگر اس کو ناراض کر دیا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا جنت کو۔ احسانات تو اتنے ہیں کہ زندگی بھر کوئی خدمت کرتا رہے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا، کوئی نہیں چکا سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کراتے ہوئے اللہ کے رسول کو دیکھ کر قریب آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے کندھوں پر میری والدہ ہے، اس حال میں میں عرفات میں گیا ہوں، منا میں گیا ہوں، مزدلفہ میں گیا ہوں، طواف کرایا ہے، کندھوں پہ سوار ہے میری والدہ، سارا حج میں نے ایسے کرایا اپنی والدہ کو، کیا میں حق ادا کر چکا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ولادت کی رات جو اس نے تکلیف اٹھائی تھی، ابھی تو اس رات کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ دو سال دودھ پلانا، خدمت کرنا، تجھے پالنا، سردی گرمی سے بچانا، وہ تو الگ باتیں ہیں، ابھی تو صرف اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو حقوق ادا کوئی نہیں کر سکتا، چاہے کوئی جتنا بھی کر لے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے انسان سے وہ تو کر سکتا ہے۔ اور اگر والدین چلے گئے دنیا سے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے راستہ بھی بتا دیا کہ ان اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کر لیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اتنی کثرت سے ان کے لیے دعا کرو، اتنی کثرت سے دعا کرو کہ وہاں پر ان کی روحیں خوش ہو جائیں۔ دعا بھی سکھا دی، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر والدین کا ادب و احترام سکھایا اور بتایا ہے اپنے کلام مقدس میں، وہاں پر فرمایا کہ لا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ اب یہاں پر کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا، اس پہ کبھی غور کریں، یہاں پر کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا، لفظ اف کیوں آیا؟ یعنی اف افسوس کے وقت نکلتا ہے، منہ سے لفظ نکلتا ہے، دکھ ہوتا ہے تو لفظ منہ سے نکلتا ہے، تو صرف اس جملہ یہ لفظ کیوں آیا؟ کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا، بامانہ لفظ بھی آ سکتا تھا، اس کا معنی تو کوئی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے اور ان کے ادب و احترام کو بیان کرتے ہوئے لفظ اف اس لیے یہاں پر استعمال فرمایا کہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے مانا سمجھ نہیں آتا تھا،
अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो उफ का माना वो भी समझता है, अगर कोई चाइना जबान बोलने वाला है तो उफ को वो भी समझता है, अगर कोई पश्तो बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, जो जबान जो बोलता है लफ्ज उफ को सारे समझते हैं कि उफ भी नहीं कहना, यानी ऐसा लफ्ज भी नहीं कहना। बल्कि यहां पर उलमा ने लिखा है आदाब के तहत कि वालिदैन अगर बात कर रहे हों तो उनकी किसी बात पर तिरछी नजर से भी नहीं देखना, क्योंकि नागवारी जो होती है ना इंसान की, जो बात पसंद ना आए सबसे पहले उसका असर आंखों पे आता है, बड़े अजीब अंदाज से वो देखते हैं, अगला समझ जाता है कि मेरी बात इसको अच्छी नहीं लगी, यानी मुंह से कुछ नहीं कह रहा लेकिन आंखें बता रही होती हैं। तो फरमाया कि ऐसी नजर से भी ना देखो उनकी तरफ, इससे भी रोका गया। और जिन लोगों ने अदब किया, और इस पर मिलता क्या है, इनाम क्या मिलता है, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, हर नबी का एक रफीक होगा जन्नत में। हदीस शरीफ में भी आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि लिकुल नबी जिन रफीक, हर नबी के लिए जन्नत में एक रफीक होगा, व रफीकी फिल जन्नत उस्मान, और जन्नत में मेरा रफीक उस्मान है, उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हर नबी का रफीक होगा एक। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, हर नबी का एक रफीक होगा और जन्नत में मेरा भी तो रफीक होगा, मैं दुनिया में देखना चाहता हूँ कि मेरा रफीक कौन बनेगा, मुझे दिखा दीजिए। कलीम थे अल्लाह ताला के, रब ताला ने फरमाया मेरे कलीम, देखना चाहते हो अपने रफीक को कि जन्नत में तुम्हारा रफीक कौन होगा, तो फरमाया ठीक है, फलां इलाके में चले जाओ, फलां बस्ती है वहां चले जाओ, वहां पर एक शख्स मिलेगा जो एक दुकान के बाहर फट्टा लगाकर उस पर गोश्त बेचता है, वो तुम्हारा रफीक होगा जन्नत में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर इख्तियार किया, चल पड़े, पहले भी सफर किया था, हजरत खिजर से मुलाकात के लिए लंबा चौड़ा वो भी तो सफर किया था, एक जस्तजू थी, यहां भी चल पड़े। जब वहां पहुंचे उस इलाके में तो उसी शक्ल सूरत का बंदा बाजार में मार्केट में मिल गया, गोश्त बेच रहा था, ये भी सामने ठहर गए या कहीं बैठ गए कि मैं देखूं इसका अमल कौन सा ऐसा है कि जन्नत में भी होगा और मेरा रफीक बनेगा, इसका अमल क्या है। देखते रहे बाजार, कुछ नजर नहीं आया, गाहक आ रहा है, वो कीमत देती है, गोश्त काट कर बनाकर दे देता है, दूसरा आया, तीसरा आया। जब गोश्त ख़त्म हो गया, थोड़ा सा गोश्त बाकी बचा, तो उसने वो लिया और उसको कूटना शुरू कर दिया, कीमा बनाना शुरू कर दिया, कीमा बनाया, उसको तैयार किया, तैयार करने के बाद उसको थैले में डाला, अपनी दुकान को समेटा, जाने के लिए तैयार हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठकर उसके करीब आ गए और कहने लगे, भाई जान, आप तो यहाँ के मुकीम हैं, मकामी हैं, मैं मुसाफिर हूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं आज रात आपके पास गुजार सकता हूँ। उस ज़माने में होटल तो होते नहीं थे, जो भी मुसाफिर आता था किसी न किसी यहाँ किसी के यहाँ मेहमान हो जाता था, वो मेज़बानी कर लेते थे और लोग भी मेज़बान हुआ करते थे, मेज़बानी का हक अदा करना जानते थे। चुनाचे उसने कहा, बिल्कुल बखुशी आएँ, जो हम खाएँगे आपको भी खिला देंगे, जहाँ सोएंगे आपको भी सुना देंगे, आएँ मेरे साथ, खुशी होगी मुझे, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है, आए मेरे साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर घर चला गया, घर गया तो उसने चारपाई बिछाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठा दिया और कहने लगा कि आप मेहमान तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा ज़रूरी जो काम है वो अपने कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होऊंगा। फरमाया ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम भी तो देखना चाहते थे कि असल है क्या माजरा, दुकान पे तो कोई ऐसी बात नई सामने नहीं आई, आम बंदों की तरह काम कर रहा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि उसने पानी उठाया, बाल्टी उठाई और पानी छिड़काव किया, उसके बाद जगह को साफ किया, उसके बाद एक चारपाई लाया, उसको रखा, उस पर बिछौना डाल दिया,
फिर अंदर गया, एक बूढ़ी खातून थी अंदर, उसको हाथों पे उठा कर ले आया और आकर उस चारपाई पर लिटा दिया। उसके बाद चूल्हे में आग जलाई, जल्दी से देगची रखी और वो जो कीमा वगैरह लाया था उसमें डाला और पकाना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं, देख रहे हैं। उसने वो कीमा बनाया, उसमें और कुछ जो डालना था डाला, खाने की चीज़ तैयार कर ली और खाना तैयार करके जब तैयार हो गया फिर उस बूढ़ी खातून के पास आया और उसको बिठा कर खिलाना शुरू कर दिया, अपने हाथों से खिला रहा है। जब खूब वो सैर हो गई, खा लिया उसने, तो उसने कहा बस मैंने खा लिया है। तो इन्होंने बर्तन हटाए तो वो बूढ़ी खातून ने दो दुआएं दी, दो दुआएं की वहां पर। अब देखिए वालदा की दुआ कैसे कबूल होती है। दो दुआएं की, कहने लगी है मेरे परवरदिगार मैं कब से दुआ मांग रही हूं, मांगते मांगते बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, टांगे जवाब दे गई, चलना फिरना छूट गया मुझसे, बिनाई कमजोर हो गई। अल्लाह मैं कब से सवाल कर रही हूँ कि सुना है कि इस वक्त ज़मीन पर आपके कलीम, आपके पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। अल्लाह कब से मैं दरख्वास्त कर रही हूँ कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा, आपने नहीं कराई। ऐ अल्लाह दूसरी दुआ तो मेरी ज़रूर कबूल कर लेना। ऐ अल्लाह मेरे इस बेटे को जो मेरी खिदमत करता है इसे जन्नत में हज़रत मूसा का साथी बना देना। जब ये सुना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और खातून के सामने आए, कहने लगे माँ जी मुबारक हो, तेरी दोनों दुआएं कबूल हो चुकी हैं। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मेहमान हूँ, लेकिन तुमने पहली दुआ अल्लाह से पता नहीं कब से मांग रही थी कि हज़रत मूसा की ज़ियारत हो जाए, मैं ही अल्लाह का पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह हूँ, आज देख ले मुझे, आँखें ठंडे कर ले। और दूसरी दुआ अपने बेटे के लिए तूने की है कि इसे मूसा अलैहिस्सलाम का रफीक बना दे जन्नत में, तो माँ जी सुन ले वो तेरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। और इसलिए तो मैं आया हूँ कि मुझे रब ताला ने खुद बता दिया कि तेरा ही बेटा जन्नत में मेरा रफीक और साथी होगा। तो दुआएं फिर ऐसी कबूल होती हैं। तो इसलिए वालिदैन का अदब व एहतराम होगा तो उनसे दुआएं ली जाएंगी, तो उनकी दुआओं के अंदर बड़ी तासीर होती है, बल्कि यूं समझें कि खुशकिस्मती उनके दामन के साथ वाबस्ता होती है। किसी एक किताब में लिखा था एक वाकया हिंदुस्तान का, वो फरमाती हैं कि एक नेक आदमी थे, बुज़ुर्ग थे और मुस्तजाबुद्दावात थे, जो भी दुआ करते अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते, जिसके हक में दुआ करते दुआ कबूल हो जाती। लोग आया करते थे दूर दूर से दुआ कराने के लिए। ये तो अच्छा है उस ज़माने में थे, हमारे ज़माने में होते तो मेला लग गया होता है, औरतें सारी जमा हो जाती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, ये दौड़ पड़ते हैं ना सारे। वो किसी को प्यास लगी थी, पहाड़पुर रोड पर किसी नलके से पानी पिया था, उसकी प्यास चली गई, उसने यहाँ आकर मशहूर कर दिया नलका है उसमें शिफा है, सारा डेरा वहीं फलाएँ कोचें भर भर कर ले जा रहे हैं, नलके में पानी निकल आया जी, शिफा आ गई है, शिफा आ गई। कुछ अरसे के बाद खत्म, नलका तो बेचारा अब भी खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है उसे। तो हमारे यहाँ तो ये दौड़ें लग जाती हैं, फिर हो तो कुछ नहीं है। और अब तो दज्जाली दौर है, अभी वो तुर्की से कोई आया था, तुर्की से आया कहाँ से आया था, पेशावर में, तो मुझसे साथ ही पूछ रहे थे, मैंने कहा ना तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं, सारे लोगों ने दौड़ें लगा दी वहाँ पर, पता नहीं कहाँ कहाँ से वहाँ पहुँचे, शिफा मिल रही है, अंधे ठीक हो गए, और पता नहीं ईसा अलैहिस्सलाम आ गए थे, क्या हुआ था पता नहीं। तो भारत और दज्जाल तो इससे ज़्यादा बड़े करश्मे दिखाएगा, फिर क्या करेंगे? अभी से हमारा ये हाल है तो वहाँ क्या करेंगे? अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल हमने छोड़ दिया है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो मुस्तजाबुद्दावात थे और लोग दूर दूर से आया करते थे उनके पास दुआएं कराने के लिए कि इस अल्लाह वाले की दुआ कबूल होती है, उनसे जाकर दुआ कराओ कबूल हो जाएगी। वो दुआ करते, वाकईतन दुआ कबूल हो जाती, नेकी और तकवा तो था उनके अंदर। एक मर्तबा उनके एक मुरीद ने उनसे पूछ लिया जो करीब रहता था, खिदमत करता था, उसने कहा हज़रत आप मुस्तजाबुद्दावात हैं, अल्लाह ने आपको एक मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आपकी दुआएं रद्द नहीं की जाती, जिसके हक में दुआ करती हैं कबूल हो जाती है,
आपके अंदर हमने शिर्क भी नहीं देखा, आपके अंदर हमने बिदअत भी नहीं देखी, आपके अंदर हमने गुनाह और मासियत का काम भी नहीं देखा, उसमें तो कोई शक नहीं, निकोकार हैं आप, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, और लोग भी तो हैं ऐसे, लेकिन ये खसूसी तौर पे आपको इनाम मिला है, वो भी एक अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन बात यह है कि मैं एक चीज नोट करता रहा हूं कुछ अरसे से, मुरीद ने कहा, और वो राज मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब भी आप दुआ किसी के लिए करते हैं तो आप खामोशी से एक टुकड़ा कपड़े का निकाल कर अपने हाथों में रख लेते हैं, फिर दुआ करते हैं, वो क्या है? नेकी तकवा तो अपनी जगह, दुआएं तो हर मुत्तकी की कबूल होती हैं, लेकिन आपकी दुआ तो निशाने पे लगती है, और आप वो कपड़ा जो उठाते हैं हाथ में, वो क्या होता है? तो उसके शेख की निगाहें झुक गईं, कहने लगे अच्छा तुम्हारी इस पे भी नजर थी, तो सुन लो आज, वो मेरी माँ की कमीज का दामन है, वो टुकड़ा, दामन का टुकड़ा मैंने रखा हुआ है। माँ से बढ़कर बच्चे से औलाद से प्यार करने वाली कायनात में कोई हस्ती नहीं, और परवरदिगार आलम माँ से 70 दर्जे बढ़कर शफीक और मेहरबान है अपने बंदे के साथ। तो मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ अपनी वालदा के दामन का वास्ता देकर दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेती है। ये मुस्तजाब दावात होने की उन्होंने दलील पेश की, तो माँ के दामन से खैर वाबस्ता है, माँ के दामन से भलाई वाबस्ता है, माँ के दामन से दुआओं की कबूलियत वाबस्ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन का अदब व एहतराम नसीब फरमाएं, और परवरदिगार आलम उनके लिए कसरत से दुआ करने की हमें तौफीक अता फरमाएं, कसरत से उनके लिए दुआ किया करें। रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वलिवालिदैया, दो सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वलिवालिदैया, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा और मेरे वालिदैन की भी बख्शिश फरमा, और नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाएं तो वहाँ भी मांग लिया करें। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाह ताला दुआ के आदाब में से है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द सना यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले ये कह दिया करें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, उसके बाद तीसरी चीज़ इस्तग़फ़ार यानी तौबा, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना, ये भी है तौबा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, ये दुआ पढ़ लें, ये भी तौबा है। इस किस्म की कोई भी दुआ ये पढ़ लिया करें, उसके बाद वालिदैन के लिए बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ कर लिया करें, तो उसकी बरकत से अगली आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें महरूमी से बचाएँ और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल